समस्त मातृ शक्तियों, भाई बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत चिंतामणि और कामधेनु के समान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करते हैं और इसकी पावन व्रत कथा को श्रवण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण होती है और उनके सभी पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन पूजा का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा, यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दिवाली पर्व से पहले आती है। इस साल रमा एकादशी का व्रत दिनांक 9 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है और गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि की पूजा के लिए अति उत्तम माना गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जब कोई एकादशी गुरुवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इसका रमा एकादशी नाम इस कारण से पड़ा कि दिवाली में माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी का एक नाम रमा भी है और इस एकादशी में श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। माता लक्ष्मी जी का नाम रमा होने के कारण इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहता है, अन्न धन की कभी कभी नहीं आती है। तो रमा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। एकादशी तिथि 8 नवंबर 2023 को प्रातःकाल 8:23 पर आरंभ हो चुकी है और यह 9 नवंबर 2023 को प्रातःकाल 10:41 पर समाप्त होगी। उदयात तिथि के अनुसार दिनांक 9 नवंबर के दिन यह व्रत रखा जाएगा। रमा एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा दिनांक 10 नवंबर 2023 को प्रातःकाल 6:39 से प्रातःकाल 8:49 के मध्य का जो समय है, इस अवधि में आपको इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो रमा एकादशी पर दान का विशेष महत्व होता है। रमा एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन किया गया दान हजारों गायों के दान के बराबर माना गया है। एकादशी के दिन गरीबों व जरूरतमंदों की मदद अवश्य करना चाहिए, इसका अनंत गुणा फल मिलता है। तो रमा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें और घर के मंदिर में शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी धारण करें। इस दिन व्रत करने का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। तो रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके इस व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए। बिना संकल्प के व्रत आपको आरंभ नहीं करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु जी को आपको भोग अर्पित करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक वस्तुओं का भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल जरूर सम्मिलित करें, ऐसा माना जाता है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, उनके नाम मंत्रों का जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहे तो और भी उत्तम है। तो इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात रमा एकादशी की यह पावन व्रत कथा आपको श्रवण करना चाहिए। तो कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह घोर पापों का
नाश करने वाली तिथि है। इसका महात्म्य मैं बतलाता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो कि प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। राजा सत्य प्रतिज्ञ यानी सत्य बोलने वाला और बड़ा ही धर्मात्मा था। वह भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। उसके इंद्र के साथ तथा यम के, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था और उसके राज्य में प्रजा बड़ी ही सुखी थी और सब और शांति थी। उस राजा का कोई शत्रु भी नहीं था। उस राजा की चंद्रभागा नामक एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया था। तो एक समय की बात है कि शोभन अपने ससुर राजा मुचुकुंद के महल में गया। उन दिनों कार्तिक का महीना था। उनके राज्य में दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि रमा एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करें, अर्थात कोई भी भोजन नहीं करें। इस दिन संपूर्ण राज्य में सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा को चिंता हुई कि उसका पति बहुत दुर्बल मन वाला है और वह पिता राजा मुचुकुंद की आज्ञा होगी कि उनके यहाँ रहते सभी व्रत करें तो उसका पति राज्य आज्ञा को अवश्य मान जाएगा, तब वह कष्ट पाए बिना नहीं रहेगा। तो चंद्रभागा को डर था, वही सामने आया। दशमी को राजा ने विचार किया कि इन दिनों उनका दामाद आया हुआ है, अतः सारा राज्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। राजा की ओर से यह डंके की घोषणा सुन करके शोभन की चिंता बढ़ गई और उसने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो अपने घर या किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना पड़ेगा। चंद्रभागा आगे कहती है, हे प्राणनाथ, पूरे नगर में एकादशी के दिन तो कोई पशु भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन ग्रहण कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए, दृढ़ संकल्प कीजिए। ऐसा सुनकर के शोभन ने कहा कि यदि यही बात है तो हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, तुम्हारे साथ मैं भी आज व्रत उपवास रखूँगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके सभी के साथ शोभन को व्रत करना पड़ा। उसे व्रत रखने का अभ्यास नहीं था, न जाने क्यों उसे भय था कि भूख से मृत्यु हो जाती है। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्य के अस्त होने तक वह दुर्बल सा निढाल हो गया, परंतु अभी तो रात्रि जागरण करके भी काटनी थी। भजन कीर्तन जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला होता है, परंतु यह शोभन को दुखदायी लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन का शरीर निष्प्राण सा हो गया। सारा नगर शोक संतृप्त सा हो गया। भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा रखने वाले राजा मुचुकुंद ने शोभन के मृत शरीर का अंतिम संस्कार चंदन की चिता पर रख करके उसका दाह संस्कार करवाया और उसने अपनी बेटी चंद्रभागा को आदेश दिया कि वह सती नहीं होए। चंद्रभागा ने पति का पारलौकिक धर्म का पालन किया। भगवान विष्णु जी की कृपा पर विश्वास रख करके चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा मान ली। अपने पति के वियोग में दुखी होकर के वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पिता पुत्री नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते रहे। भगवान विष्णु जी की कृपा से और रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत के निकट धन धान्य से संपन्न देवपुर का राज्य प्राप्त हो गया था। उसे उस राज्य का राजा बना दिया गया। वह देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों पर निर्मित था। उसमें अनेक रंग की मणियों से जड़े भवन थे। वहां शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले, परंतु उसे देवपुर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। शोभन एकादशी व्रत के प्रभाव से धन संपत्ति और राज्य का स्वामी बन गया था। तो सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु जी की लीला विचित्र है। मुचुकुंद के नगर में रहने वाला एक प्रसिद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकला और उसने राजा के दामाद शोभन को पहचान लिया। ब्राह्मण सोम शर्मा को भी शोभन ने पहचान लिया और शोभन आसन से उठकर के ब्राह्मण के पास आए, प्रणाम करके कुशल समाचार पूछने लगे। उन्होंने क्रमशः अपने
ससुर राजा मुचुकुंद का और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि आपके ससुर राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में बहुत दुखी हैं। वैसे नगर में सब प्रकार से कुशल हैं। तो ब्राह्मण आगे कहता है, हे राजन, हमें अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप तो एकादशी व्रत के व्रत में अन्न नहीं खाने पर प्राण छोड़ चुके थे। आपका शरीर भी अग्नि को समर्पित हो गया था। फिर वही रूप और अपार धन संपदा आपको कैसे प्राप्त हो गई? अपना संपूर्ण वृत्तांत बतलाइए। ब्राह्मण सोम शर्मा ने पूछा कि हे राजन, आपके यहाँ तो विशेष आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे राजन, बताइए कि आपको इस मनोरम अद्भुत नगर की प्राप्ति कैसे हो गई? राजा शोभन ने कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी की तिथि आती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की संपदा आदि की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण देव, मैंने श्रद्धाहीन होकर के इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की गुणवती कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहें, जिससे वह उसका उचित उपाय करे, तब तो यह राज्य संपदा आदि स्थिर हो सकेंगे। ब्राह्मण अपने नगर को लौटा और उसने चंद्रभागा से राजा शोभन का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर के चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्न हो गई। चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देवता, क्या यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बात आप कर रहे हैं? तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने मंद्राचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष देखा है। उसने भी मुझे पहचान करके आदर सम्मान से उच्च आसन दे करके सब हाल बताए हैं। साथ ही किसी से भी नहीं जीता जा सकने वाला और देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी मैंने देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर भी नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। तो चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने मन में पति के दर्शन की तीव्र इच्छा मेरे मन में हो रही है। आप मुझे वहां ले चलिए। फिर कुछ गंभीर हो सोच करके कहने लगी कि पहले आप मुझे किसी सिद्ध तेजस्वी एवं तपस्वी ऋषि के पास ले चलो। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूंगी। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर के ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर के मंद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर के वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि की मंत्र शक्ति के प्रभाव से और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप सा हो गया और पुण्य प्रभावी शक्ति बन गया। ऋषि श्रेष्ठ की मंत्र शक्ति से उसको दिव्य गति प्राप्त हो गई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल उठे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख करके शोभन को बड़ी प्रसन्नता हो गई। उन्होंने उसे बुला करके अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदंतर चंद्रभागा ने अत्यंत हर्षित होकर के अपने पति से यह प्रिय वचन कहा कि हे प्राणनाथ, मैं हित की बात कहती हूँ। आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका यह सुंदर पवित्र नगर और राज्य स्थिर हो जाए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तब से आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत श्रद्धापूर्वक विधि विधान से किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उनकी पुण्य शक्ति के प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली भी होगा। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु जी का ध्यान किया और प्रार्थना पूर्वक कहा कि ऋषि की आशीष से मेरे एकादशी के समस्त पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार करें। भगवान विष्णु जी ने उसकी प्रार्थना को सुन ली। चंद्रभागा के पुण्य प्रताप से प्रसिद्ध देवपुर नगर स्थिर हो गया। इस प्रकार चंद्रभागा वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर के अपने पति के साथ मंद्राचल के शिखर पर स्थित प्रसिद्ध देवपुर में विहार करने लगी थी। भगवान कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली तिथि है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के व्रतों का पापनाशक महात्म तुमको सुनाया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की तिथि होती है। उसमें भेद नहीं करना चाहिए।
दोनों पक्षों की एकादशियां समान फलों को देने वाली होती है। यह जो कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान है। इसमें केला का सागर लेना चाहिए। केला व उससे बने हुए पदार्थ, फल और मेवा आदि का सेवन इस व्रत में करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्यफल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।